अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जैसा कि जेके बोस के जितने भी 10th, 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाइनल प्राइवेट एग्जाम देना है, बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं किस तरीके से पास करना है, बहुत टेंशन हो रही है, क्या बाइनल प्राइवेट एग्जाम में मार्किंग जो है वो हार्ड हो जाती है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं डेट शीट कब तक आ जाएगी, सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इजी तरीका किस तरीके से आप अपना बाइनल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो आपने इन तक जरूर देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जो भी आपका स्टडी मटेरियल वगैरह होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको हेल्प की जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना क्विक अपडेट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास की डेट शीट कब आ जाएगी बाइनल प्राइवेट के लिए, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो, लद्दाख के हो। जैसा कि अब डेट शीट है वो सेम आ जाती है, 11th क्लास की जो डेट शीट है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पर डेट शीट आ जाएगी, जगह बोस की ऑफिशियल से यही इन्फॉर्मेशन मिली, डेट शीट को हम जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम सेकंड बात करेंगे, क्या बाइनल प्राइवेट एग्जाम्स में टफ मार्किंग होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका भाई बहन है, यहाँ पर टीचर ये बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्योंकि देखो, जैसा कि जो मार्किंग रेगुलर में होती है, सेम जो है बाइनल प्राइवेट एग्जाम में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 10th का स्टूडेंट या 11th का या 12th का स्टूडेंट ऐसा जिसको पहली बार जो है बैक लगाता है एंड उसको टेंशन हो जाती है, फिर क्या यहाँ पर बाइनल प्राइवेट एग्जाम में हार्ड मार्किंग होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप टेंशन मत रखो, नॉर्मल मार्किंग होती है जैसा कि रेगुलर एग्जाम में होती है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पास ही होना चाहते हैं, जो मैसेज कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ बाइनल प्राइवेट एग्जाम को पास आउट किस तरीके से करें, वो थोड़ा यहाँ पर सुन लो। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपको पास करना है नकल पर बिल्कुल भी जो है वो डिपेंड नहीं रहना है, खुद से आपको यहाँ पर जो है प्रिपेयर करना होगा। अब प्रिपेयर क्या करना है ताकि आप इजी पास भी हो जाओगे, अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। अब सिलेबस आप देखोगे, आपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर देखना है कि उस सब्जेक्ट में कितने पासिंग मार्क्स है। अब पासिंग मार्क्स जो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स सब्जेक्ट बैक है, आपने देखना है कि पासिंग मार्क्स फिजिक्स में कितने, 25 तो पास है। अब आपने वो यूनिट्स जो है वो टारगेट करने हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम 40 मार्क्स जो है वो टारगेट करने हैं, अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करना है ताकि आप इसी पास भी हो जाओ एंड अच्छे खासे मार्क्स आ जाए। अगर 40 ना करो, 35 फिर भी यहाँ पर कोशिश करो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की। वो स्टूडेंट्स ऐसे ही यहाँ पर जो है छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम नकल पर डिपेंड रहेंगे। अरे मेरी बात सुनो, नकल पर बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके भी जाओ एंड अच्छे खासे जो है वो मार्क्स भी आ जाएंगे। अब इसकी टेंशन नहीं लेनी है एंड बाकी चीजें भी आपने याद रखना है, जैसा कि मैंने बोला कि आपने यहाँ पर सिलेबस को देखना है। क्या करना है, आपने यहाँ पर उन्हीं यूनिट्स को प्रिपेयर करना है जो आपको 35 से लेकर 40 मार्क्स तक दे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको यहाँ पर 36 मार्क्स पास है किसी सब्जेक्ट में, अब उसको यहाँ पर कम से कम जो है 50 प्लस मार्क्स जो है या 55 मार्क्स पर जो है वो फोकस करना है ताकि वो इजिली जो है पास हो सके एंड अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाए। वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। अगर आप बोलोगे मैं फुल मार्क्स लाना चाहता हूँ, उसके लिए आपने यहाँ पर जो है दिन रात पढ़ना, मेहनत करना अच्छे तरीके से, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप फुल सिलेबस जो है वो विदिन 15 डेज या 10 डेज में कवर कर सकते हो। हाँ, इस हिसाब से कर सकते हो, अगर आपका फुल यहाँ पर जो कंप्लीट है रिवीजन कर सकते हो एंड मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, वहां से जाकर ज्वाइन करना। वहां पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपके लिए वो बेस्ट नोट्स रहेंगे, इसलिए ज्वाइन जरूर करना। तो बाकी यहाँ पर जो भी आपके रिलेटेड वीडियोस वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, तब तक मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।